वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। सबको क्लियर नहीं आ रही, केवल आपको क्लियर नहीं आ रही। समाधान मेरे पास आती है, आ रही है ना? ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू मैम? सभी बच्चे मुझे ध्यान से सुनेंगे जो मैं कहने जा रही हूँ। बेटा नेक्स्ट वीक में मैं आपका हिंदी का टेस्ट लूंगी, ओके? आपको उसका मैसेज कर दिया जाएगा, इसलिए आज से मैं आपको रिवीजन स्टार्ट करा रही हूँ। जिन चैप्टर्स का मैंने टेस्ट लेना है उन्हीं चैप्टर्स का मैं आपको इस वीक में रिवीजन कराऊंगी। इसलिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बच्चे बाद में जुड़े हैं ग्रुप में, तो उन बच्चों के लिए भी एक बार उनको भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, उन्हें भी पढ़ने को मिल जाएगा, और दूसरा इसके साथ साथ आप लोग की रिवीजन भी हो जाएगी, ओके बेटा? तो आज हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे रिमझिम बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, कक्कू। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, बट ओपन योर बुक ऑल स्टूडेंट, प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर वन। पेज नंबर वन सभी खोलेंगे, खोले बेटा, आप लोग भी बुक निकालिए। ओपन योर बुक्स, बिना बुक के आप लोग नहीं समझ पाएंगे जो मैं कराने जा रही हूं उसे। लेट्स स्टार्ट। कक्कू, नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ा लू को अब से, क्यों ना कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। बेटा इस कविता के जो कवि हैं वो है रमेश चंद्र शाह। कवि कौन है इसके? रमेश चंद्र शाह, ठीक है? इसके कवि जो हैं वो हैं रमेश चंद्र शाह जी, ठीक है बेटा? अब उन्होंने इस कविता में कक्कू नाम के लड़के के बारे में बताया है कि नाम तो उसका कक्कू है। कक्कू का मतलब क्या होता है? कोयल, कोयल या कोयल से बोली वाला, ठीक है? परंतु ये जो कक्कू है इसके अंदर तो ऐसे कोई भी भाव नहीं है, ना तो उसकी बोली में मिठास है और ना ही उसका स्वभाव अच्छा है। वो अगर उससे कोई मजाक करे तो वो चिढ़ जाता है, उनसे झगड़ा करने लगता है, और वो किसी बात को नहीं समझता है, उससे मजाक भी करने पर वो लड़ने को उतारू हो जाता है, इसीलिए सब उसको जो है सक्कू कह के चिढ़ाते हैं, और वो जरा जरा सी बात पे रोना शुरू कर देता है, ठीक है? तो देखिए आगे इसको देखते हैं, इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। मैं शुरू से इसे ढंग से आपको समझाती हूँ इसे। अब देखिए बेटा, नाम है उसका कक्कू, कि यहाँ जिस लड़के की बात की जा रही है उस लड़के का नाम क्या है? कक्कू नाम है। क्या नाम है उसका? कक्कू, ठीक है बेटा? ले कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। कि कक्कू का
मतलब क्या होता है, माने मतलब मतलब कि कक्कू का मतलब क्या होता है, कोयल। कोयल कैसी होती है, कोयल की आवाज जो है कैसी होती है, बिल्कुल मीठी होती है। उसका रंग तो काला होता है पर उसकी जो बोली की मिठास है वो इतनी मीठी होती है कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। पर ये लड़का जो है कक्कू, ये तो दिन भर क्या करता है, हंसता नहीं है, उसकी बोली में कोई मिठास नहीं रहती, बल्कि वो तो दिन भर क्या करता रहता है, रोता रहता है। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू, नाम है इसका कक्कू, कि इसके दिन भर रोने की वजह से, दिन भर रोने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको सक्कू कहते हैं, यानी सुबकने वाला, पूरे दिन रोता सुबकता रहता है, इसीलिए हम इसको सक्कू कहते हैं। पर उसका नाम क्या है, कक्कू। कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। कि कोयल का मतलब क्या है, कोयल माने मिश्री जैसी, कि कोयल का मतलब क्या है कि मिश्री जैसी बोली। मिश्री आपने देखी है, कभी इसका स्वाद चखा है, मिश्री जो होती है स्वाद में बहुत मीठी होती है। तो यहाँ यही कहा गया है कि कोयल का मतलब तो क्या है, मीठी, यानी मिठास, मिश्री जैसा मीठी जिसकी बोली, कि जिसकी बोली मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है, मधुरता होती है उसकी बोली में, उसको मिश्री जैसा कहा जाता है। यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। परंतु ये लड़का तो ऐसा है, ठिठोली मतलब मजाक, कि अगर इसे थोड़ा सा भी मजाक करो, इससे थोड़ा सा भी हंसी मजाक कर लो, तो ये क्या करता है, जरा से में भड़क जाता है, यानी गुस्सा हो जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, इसीलिए तो हम इसको क्या कहते हैं, कभी कभी किस नाम से बुलाते हैं, इसके ज्यादा गुस्से की वजह से भड़कने वाला, यानी भक्कू के नाम से बुलाते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, भक्कू कहते हैं। ठीक है, नाम है उसका कक्कू, पर वास्तव में उसका नाम क्या है, कक्कू, पर उसके सारे काम इसके विपरीत हैं, नाम के उल्टे हैं। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ा लू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू, नाम है उसका सक्कू। यानी कक्कू वह जो गाना गाए, कक्कू का मतलब कोयल जो है वो क्या करती है, मीठा गाना गाती है, ठीक है, सबके मन को मोह लेती है, ठीक है। पर यहाँ तो इसका उल्टा हो रहा है, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए। परंतु जो कक्कू है ये तो क्या करता है कि ये बात बात में, यानी कोई सी भी बात अगर होती है उसके सामने, कोई सी बात कहो तो उस बात पे क्या कर जाता है, चिढ़ जाता है, रहता मुंह जो सदा फुलाए। और वो हमेशा क्या करता है, नाराज होके, ठीक, जो नाराज होता है उसकी पोजीशन कैसी होती है, ठीक ऐसी होती है ना। तो वो इसी तरीके से क्या करता है कि अपना मुंह फुला लेता है, यानी किसी से बात नहीं करता। मुंह फुलाने का मतलब किसी से भी कोई बात ना करना। गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ा लू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कू। कि ये लड़का तो ऐसा है कि इसे गाना गाना तो बिल्कुल ही नहीं आता, यानी इसे मीठा बोलना तो बिल्कुल ही नहीं आता है। ये तो हर वक्त क्या करता है कि जरा सी बात में सिर्फ क्या करता रहता है, झगड़ा करता रहता है, हर वक्त झगड़ता रहता है। तो क्यों ना कहे हम झक्कू, कि ऐसे लड़ने वाले लड़के को हम झक्कू क्यों ना कहे, क्यों ना हम झक्कू के नाम से बुलाएं, जो कि हमेशा झक मारने का काम करता है, कोई भी सही काम नहीं करता, हमेशा ऐसे काम करेगा जिससे कि क्या हो, सबको दुख पहुंचे। नाम है उसका कक्कू, उसका नाम क्या है, कक्कू है। जैसे कि आपने अभी इसमें पढ़ा कि कक्कू यानी कोयल, कोयल जो है वो मीठा बोलती है, सबको अपनी ओर प्रभावित करती है, उस पर ये जो कक्कू नाम का लड़का है ठीक अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। अब आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों को अच्छा लगा और समझ आ गया? यस बेटा, आप सबको समझ आ गया ये? यस मैम। कैसा लगा ये चैप्टर? यस मैम।
हेलो 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 हाँ जी बोलिए हेलो हाँ आपकी आवाज आ रही है बोलिए हाँ मैम श्रेया का टेस्ट हो ही नहीं पा रहा है कोई ऐप लोड करना है किसका मैम किस सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट का इसका टेस्ट नहीं हो पा रहा है क्या नाम है श्रेया यादव श्रेया यादव इंटरव्यू में जाता है ना क्या लिंक तो आपके पास जा ही रहा है आपका बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है तो टेस्ट क्यों नहीं और अभी हिंदी का मैंने लिया नहीं है मैम कोई भी कंप्यूटर का हुआ मैथ का हुआ किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं हो पा रहा है लेकिन क्लास अटेंड कर रहा है श्रेया यादव ना ठीक है मैं इसका बाद में देखती हूं क्लास के बाद देखती हूं ठीक है ठीक है मैम देखती हूं अगर कोई ऐप लोड करना हो तो बताइएगा ओके 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 ठीक है हम बता देंगे अभ्यास देखते हैं अभ्यास में देखिए अभ्यास में दिया हुआ है कि नाम ही नाम अपने अपने बुक में देखिए बेटा मैंने आपको म्यूट इसलिए किया कि जब मैं अनम्यूट करती हूँ तो आप लोग तेज आवाज में बोलने लगते हैं एकदम फिर बेटा मुझे बाकी लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता ठीक है हाँ मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगी अगर मुझे किसी से पूछना होगा मैं एक हाँ जागृति मैं समझ रही हूँ आपकी बात को नाम ही नाम तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब होता है मतलब कि बेटा हर व्यक्ति का नाम होता है कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है और उस नाम का कुछ ना कुछ मतलब जरूर निकलता है जैसे कक्कू का कोयल निकल रहा है ना इसी प्रकार से सबके नाम का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता रहा है तो वही अपने अपने नाम का सबका नाम अलग है तो सबके नाम का मतलब अलग निकलता होगा ठीक है अगला देखिए तुम्हारे कितने नाम तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं कि आपके घर में प्यार वाला नाम का मतलब कि जो घर में आपके मम्मी पापा प्यार से आपका नाम रखते हैं वो आपका प्यार वाला नाम कहलाता है कि आपका स्कूल में नेम जो चलता है वो अलग होता है पर वही अगर आपको घर में आपके मम्मी पापा किसी निक नेम से बुलाते होंगे ठीक है या प्यार से आपको कुछ और कहते होंगे चिढ़ाने वाला नाम बेटा वो होता है कि जब आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जो कि सही नहीं होती है उस समय आपको बच्चे क्या करते हैं कि आपको किसी अलग नाम से चिढ़ाते हैं कुछ ना कुछ कह के चिढ़ाते हैं अगर आपकी हाइट छोटी है तो चिढ़ाने के लिए आपको क्या कहेंगे छोटी कहेंगे है ना इस तरीके से फिर आपका है दोस्तों का दिया हुआ नाम जैसे एक नाम आपके मम्मी पापा ने दिया एक नाम आपका स्कूल में चल रहा है फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको स्कूल में किसी ना किसी नाम से बुलाते होंगे जो उन्हें पसंद होगा आपके दोस्त भी आपको अलग अलग नाम से बुलाते होंगे बस बेटा साइलेंट ओके आगे देखिए सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है गप्पू अब गप्पू का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे बिल्कुल गोल मटोल होते हैं थोड़े सेहतमंद होते हैं उनको क्या कहा जाता है गप्पू कहा जाता है ठीक है भोली 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 का मतलब कि जो लड़की बिल्कुल सीधी सादी होगी जो ज्यादा बहुत ज्यादा चंचलता नहीं दिखाती होगी जो कम बोलती होगी जो सही बात को सही बोलती होगी उस लड़की को क्या कहा जाएगा भोली कहा जाएगा छुटकी छुटकी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाइट में छोटे होंगे या भाई बहनों में सबसे छोटे होंगे तो उनको छुटकी नाम से बुलाया जाता है गोलू गोलू का मतलब कि जो बच्चा बहुत प्यारा होगा
बहुत देखने में क्यूट होगा, उसे आप लोग क्या कहते हैं, गोलू नाम से भी बुलाते हैं। आगे देखिए, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली, भक्कू है, झक्कू है, गप्पू है, ये तो आप सजेस्ट करेंगे कि कौन कैसा है। आगे देखिए, अब कविता का समय, कविता का समय मतलब यहाँ कविता की कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, ठीक है, तो यहाँ दिया कक्कू वह जो सदा हसाए, रोना उसको जरा ना आए। एक मैं आपको, मैं ये पंक्तियां जो है मैं यहाँ बोर्ड पे लिख के समझा देती हूँ, इसको कंप्लीट करना है, पूरा करना है इसे, ये कविता की पंक्तियां जो दी हुई हैं, देखिए, कक्कू वह जो सदा हसाए, सदा हसाए। अब देखिए बेटा, जो कविता आपने पढ़ी थी, जिस कक्कू के बारे में आपने पढ़ी थी, वो कक्कू तो बिल्कुल विपरीत था, ना उसे हंसना आता था ना कुछ, वो हर वक्त रोता रहता था। पर यहाँ आपको एक पॉजिटिव कविता बनानी है, नेगेटिव नहीं बनानी है, कक्कू के नाम से एक पॉजिटिव कविता बनानी है, मतलब सकारात्मक रूप लेके कविता बनानी है, कि यहाँ वो कक्कू रोने वाला था पर ये कक्कू जो हंसने वाला है, इसलिए इसकी ये कविता आपको, इसकी कविता की पंक्तियां जो है अलग से बनानी है, उसके सही स्वभाव से बनानी है। क्या है, कक्कू वह जो सदा हसाए, आगे दिया हुआ है रोना उसे जरा जरा न, अब यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है तो जरा न आए आ जाएगा, ठीक है। चिड़िया के संग गाना गाए, चिड़िया चिड़िया के संग संग गाना गाए, यहाँ गाए आ जाएगा, ठीक है बेटा, जहां खाली स्थान है वहां गाए आ जाएगा। फिर है संग मोर के, संग मोर के, इसके बाद है इसीलिए, इसीलिए तो कभी कभी, कभी कभी हम कहते उसको अब देखिए यहां बिल्कुल चेंज हो जाएगा, संग मोर के नाचे गाए, ठीक है, संग मोर के नाचे गाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको क्या कहेंगे। अब यहाँ सकारात्मक चीज आ गई है तो अब इसको क्या कहा जाएगा बताइए, यहाँ किस, इस पंक्तियों में क्या भरेंगे हम, जागृति, जागृति बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, बताइए यहाँ क्या आएगा मैम। हाँ, साथ मोर के नाचेगा, इसीलिए कभी कभी हम तो कहते उसको। मैम, वहाँ जो मैम बुक में जो दिया वो नहीं ना बताना है, नहीं, वो नहीं बताना बेटा, वो तो कक्कू के बारे में सारी नकारात्मक थिंकिंग थी ना उसकी, जो वो कक्कू जैसा था उसके स्वभाव के हिसाब से उसको भक्कू भी कहा गया, सक्कू भी कहा गया, झक्कू भी कहा गया, ठीक है। अनन्या, यस बेटा, आप बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ। मैं नक्कू, हाँ नक्कू भी कह सकते हैं, नक्कू भी कह सकते हैं। और कोई, हरिओम पांडे, हरिओम बेटा आप बताइए और क्या आ सकता है। बेटा आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हो पर आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आपकी तरफ से, सही है। हाँ जागृति, बोलो, कुछ कहना चाहती हूँ, बोलो मैम। जो है वहाँ पे बजाएगा
इसीलिए तो हम कभी कभी उसको कहते मैम, भूल गए कहने वाले थे। अच्छा चलिए, याद आएगा तब बताइएगा। आकृति, आकृति बेटा आप क्या बताएंगे, यहाँ क्या क्या आना चाहिए? यस मैम। क्या आना चाहिए यहाँ पर? देखिए क्या पंख है, कक्कू है जो सदा हसाए, रोना उसको जरा न आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको क्या कहेंगे? मैम गप्पू। नहीं गप्पू तो अलग हो जाता है, कुछ और बताइए। जो खुश रहने वाला लड़का है, हाँ गाय के नाम से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसीलिए तो उसे हम कहते हैं उसको कक्कू। कक्कू भी आ सकता है यहाँ पर, क्यों? कक्कू माने कोयल, वो नाचता भी है गाता भी है ना? यस अनन्या। हाँ बोलो बोलो बेटा अनन्या, अनम्यूट योरसेल्फ। इसीलिए कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। हाँ कक्कू भी कह सकते हैं, है ना? मैम मैं वहाँ पे गाय आया है तो इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको बक्कू। कक्कू तो कक्कू भी चल रहा है या क्या? हाँ क्या कह रही हो मैम? इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको गप्पू। और नट्टू भी कह सकते हैं, नट्टू भी कह सकते हैं, नटखट बच्चा जो गाता भी है नाचता भी है ना? नट्टू भी आ सकता है, ठीक है? हाँ दम्या, आप क्या कहना चाहती हो बेटा? आप भी बताइए, आप भी बताइए। अनम्यूट योरसेल्फ अदम्या। हाँ मैम, कक्कू भी हो सकता है। क्या बेटा? मैम कक्कू भी हो सकता है। कक्कू तो ऊपर आ रहा है ना बेटा, पर उसको हम क्या कहते हैं? आप अपने आप से भी तो कुछ निकनेम देते हो ना, कुछ चिढ़ाने के लिए कुछ नाम दोगे ना उसे? यस मैम। हाँ नट्टू भी कह सकते हैं, है ना? नट्टू मतलब नटखट, नटखट बच्चा जो कि हाँ अंकिता कुमारी आप बताइए। अंकिता कुमारी आप अनम्यूट हो, पर आपकी तरफ से शायद कुछ प्रॉब्लम है फोन में। जिया, हाँ बेटा आप बताइए। बोलो बेटा। ठीक है हम यहाँ नट्टू कर देते हैं, वो तो आपके ऊपर है। अंकिता बेटा आप अनम्यूट हो, पर आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। ठीक है बेटा, यहाँ हम कर देते हैं नट्टू। ठीक है आगे देखिए। कक्कू कैसा है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। अब बेटा देखिए यहाँ दिया है पंक्ति, कुछ लाइनें दी हुई हैं आपको आपकी बुक में, और पूछा गया है कि कक्कू कैसा है, यानी कक्कू का स्वभाव कैसा है, किस प्रकार का है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, कि कक्कू जो है कोयल जैसे मीठी बोली क्यों नहीं बोल पाता? क्यों बेटा? कक्कू जो है, कक्कू का स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा है, ठीक है? वो जरा जरा सी बात में नाराज हो जाता है, जरा जरा सी बात में वो झगड़ा करने लगता है, उसका स्वभाव जो। हाँ यस मैम, जरा जरा सी बात में रोने लगता है, रोने लगता है। देखिए बेटा किसी भी बच्चे का स्वभाव ऐसा तब होता है, देखिए इसका भी रीजन होता है कि किसी भी बच्चे का स्वभाव ऐसा तब हो जाएगा, या तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि या उसके साथ खेलने वाले बच्चे जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते, उसे अपने साथ नहीं खिलाना चाहते, ठीक है, तब भी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर में मम्मी पापा का साथ नहीं मिलता, वो कम समय मम्मी पापा के साथ रहते हैं, ऐसे बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा ये होता है कि जब घर में कई भाई बहन होते हैं, जो बड़े भाई बहन होते हैं उनको छोटा समझ के अपने पास नहीं बिठाते, तब भी बच्चे का स्वभाव बदलने लगता है। बच्चे का स्वभाव बदलने के कई कारण होते हैं,
उनके फैमिली से रिलेटेड भी होता है, भाई बहनों से रिलेटेड है, फिर या फिर उनके फ्रेंड्स जो हैं उनसे भी रिलेटेड होता है, और ये भी कभी कभी होता है कि जो आसपास का आपका वातावरण होता है वो भी प्रभावित करता है कि आपके आसपास कैसे बच्चे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग का स्वभाव कभी कभी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही कक्कू के साथ है। कक्कू वास्तव में बचपन से ऐसा नहीं होगा, एक ये हमारी कल्पना ही है, पर इस कल्पना के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि कक्कू बचपन से ऐसा नहीं होगा। उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है उसके आसपास के वातावरण का, उसकी फैमिली का या फिर उसके फ्रेंड्स का। अब देखिए नामों की रेल, पांच पांच बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। कुछ रेल के डिब्बे बने हुए हैं, उस पे एक पे तो राजू नाम लिखा हुआ है, दूसरे पर जो भी अगला बच्चा होगा चाहे श्याम हो, तीसरा चाहे राहुल हो उसका नाम लिख दीजिए, चौथा बच्चा अगर गोविंद है तो उसका नाम लिख दीजिए, चार बच्चे लिख दिए, एक पहले से दिया हुआ है। वर्णमाला याद है ना, वर्णमाला मैंने आपको, वर्णमाला कौन सी होती है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, स्वर कौन से होते हैं अ से लेकर अ तक, और व्यंजन कौन से है क से लेकर ज्ञ तक, वो आपके व्यंजन होते हैं। तो बेटा इसमें वर्णमाला याद है ना, याद है ना का मतलब आपसे ये पूछा गया है कि जो वर्णमाला आपने पढ़ी थी, क क ग पढ़ा था, छोटा बड़ा पढ़ा था, वो आपको याद है। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं कि अब जो नाम आपके माइंड में है वर्ण के हिसाब से, जैसे किसी का अ से नाम आ रहा है तो अ से क्या हो गया अनमोल, ठीक है, फिर आ, आ वर्ण आ रहा है तो आ से आनंद, ठीक है, फिर क ले लीजिए, चलिए हम अ से ही करते हैं, उसे स्वर से ही बनाते हैं, पहले स्वर से अ से मैंने अनमोल बता दिया, आ से मैंने क्या बता दिया आनंद, ठीक है, अब छोटी ई, ई से ईशिता, ठीक है, फिर उ से उस्मान, ठीक है, फिर ए से है? आर्यन कुछ कह रहे हैं, हाँ बेटा आप बताइए, आर्यन अनम्यूट योरसेल्फ, अब करो बेटा, अब कीजिए अनम्यूट करो, अब अपनी तरफ से कीजिए बेटा, आर्यन, हाँ श्रेया यादव आप बताइए बेटा, श्रेया बताइए अनम्यूट कीजिए, हाँ बताइए। मैम मेरा टेस्ट नहीं हो पा रहा है। टेस्ट बेटा होगा, मैं आज देखती हूँ जो भी प्रॉब्लम होगा, आपकी मम्मी ने अभी मुझसे बात की है। और को बताइए, ए से कोई नाम बताइए, श्रेया, श्रेया सिंह, ए से नेम बताइए अपने फ्रेंड्स का किसी का, एकता हो सकता है, ए से एकता, हाँ आ से सॉरी ए से एकता, ठीक है, इस तरीके से आपको वर्णमाला के हिसाब से लगाने थे। हमने अ से भी बना लिया, आ से भी बना लिया, ई से भी बना लिया, उ से भी कर लिया और ए से भी कर लिया। मैम आर्यन म्यूट हो गया। हाँ, ओ से ओमकार, ओ से ओमकार, ओमकार, हाँ। चिढ़ाना, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, जब तुम्हें, तब तुम्हें कैसा लगता है? अगर देखिए बेटा कोई भी आपको चिढ़ाता है तो जाहिर सी बात है कि हर बच्चे को बुरा लगता है। किसी भी बच्चे को कोई और बच्चा चिढ़ाए या कोई बड़ा चिढ़ाए तो वो आपको पसंद नहीं आता है। उस समय आपको क्या लगता है जब आपको कोई चिढ़ाता है? आपको बहुत बुरा लगता है। कोई बच्चा तो रोने लगता है, कोई बच्चा क्या करता है कि रोता नहीं है, वो क्या करता है कि हाँ झुंझलाने लगता है, वो वहां से चला जाता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं जब उनको चिढ़ाया जाता है तो वो झगड़ा करने लगते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको चिढ़ाया जाता है तो मार पिटाई तक भी बात आ जाती है बच्चों की, ठीक है बेटा। तो सबका स्वभाव अलग अलग उस समय होता है जब आपको चिढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, ये गेंद का मन, एक छोटी सी आपके लिए ये पिक्चर छोड़ी दी हुई है, छोटी सी गेंद का मन, गेंद का मन। तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को यह बात समझ में नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ बच्चा जो है, मैंने आपसे पहले कहा कि बच्चे जो है वो कुछ भी समझ बैठते हैं, उनका दिमाग जो है वो जब छोटेपन में होते हैं या छोटे होते हैं बच्चे, तो उसमें उनका दिमाग चंचल होता है,
उनको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब इसमें जो पिक्चर दिखाया हुआ है, इसने इस पिक्चर में इस लड़के ने क्या किया है कि बॉल को कैसे मारा है, सीधा मारा है, पर वो चाहता था कि बॉल जो है, जैसे आप लोग चौका छक्का करते खेलते हैं ना, तो उसमें चौका लगता है तो 4 रन मिलते हैं, छक्का लगता है 6 रन मिलते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो उस बच्चे ने मारा है तो वो बॉल जो है वो किधर चली गई, खिड़की की तरफ चली गई है। अब उस बच्चे के मन से क्या निकला, मैंने तो इस बॉल को बार बार कहा पर ये बॉल मेरी बात समझती ही नहीं है। क्या बॉल आपकी बात समझ सकती है? नहीं समझ सकती, वो नहीं समझ सकती। ठीक है, इसी तरीके से आपके गुड्डे गुड़िया होते हैं, अब गुड्डे गुड़िया ले लेते हैं, उनको क्या करेंगे, खेलते रहेंगे उसे मारते रहेंगे कि तुझे हमने इतना सिखाया, इतना समझाया, तब भी तुम लोग, तुम क्या करती हो, इधर से उधर चली जाती हो, कहीं भी बैठ जाती हो। आप यही करते हैं ना अपने खिलौनों के साथ, यही करते हैं। यही होता है एक बच्चा, एक बच्चे का मन, बच्चे का स्वभाव और बच्चे की सोच। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको बदलाव नहीं लाना है। आप अपने उस स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप चिड़चिड़े हैं तो अपना चिड़चिड़ा होने का रीजन जाने, उसका कारण जाने कि आपका स्वभाव ऐसा क्यों है, आप उसमें सुधार करने की कोशिश करें। क्योंकि बेटा जब आप इन चीजों में फंसते जाएंगे तो आपका स्वभाव और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, फिर आपकी प्रवृत्ति जो हिंसक होती चली जाती है। तो आपको हिंसक प्रवृत्ति में नहीं जाना है, आपको अपने चिड़चिड़ेपन से निकलना है। बार बार हर बात पे रोने वाली जो भावना है आप लोगों की, आपको उससे बाहर निकलना, आपको कक्कू नहीं बनना है। बनेंगे सब कक्कू? नहीं बनेंगे ना? आपको कक्कू तो बिल्कुल नहीं बनना है, आपको कक्कू नहीं बनना है, एक वीर बहादुर अच्छा बच्चा बनना है। ठीक है, मैं गुड बॉय बनना है। हाँ, एक गुड बॉय और गुड गर्ल बनना है, जो कि सबका कहना माने, जिसके अंदर की एक गुड मैनर्स हो, सबका क्या करें, आदर सम्मान करें, जो होमवर्क स्कूल से दिया जाता है उसे करें, कक्कू ना बने। नहीं बनेंगे ना? हाँ, नो मैम, बिल्कुल नहीं बनना। अब मैं वन बाय वन एक एक बच्चे से आपके चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछूंगी, उसे आप लोगों ने मुझे बताना है। यस मैम। सब तैयार हैं? यस मैम। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन शुरू से सब बच्चों से पूछती हूँ। राज नारायण, बेटा आपकी तरफ से वीडियो ऑफ आ रहा है, वीडियो ऑन कीजिए। राज नारायण हाँ, अनम्यूट कीजिए। मैम मेरे से भी पूछिएगा। सबसे पूछूंगी बेटा, हमारे पास 6 मिनट हैं, इतनी देर में मैं सबसे पूछ लूंगी। राज नारायण, हाँ बेटा आप बताइए। मैम। यस मैम, आपकी आवाज कट रही है। बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, सब बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है। मैं आपसे लेके रहा है। हाँ राज नारायण, बेटा आप बताइए कक्कू का मतलब क्या होता है? यस बेटा बताइए कक्कू का मतलब क्या होता है? बोलो बेटा। नहीं पता? मैं बोल रहा हूँ। हरिओम, आज आपके फोन में क्या प्रॉब्लम हो गई, आपकी आवाज बिल्कुल मेरे तक नहीं आ रही। हरिओम, आप यहाँ अनम्यूट शो हो रहे हैं, या तो आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है। आकृति मौर्य, अनम्यूट योरसेल्फ। यस आकृति, आप बताइए कक्कू का मतलब क्या होता है? फिर आप म्यूट हो गई हो बेटा, अनम्यूट करो। यस मैम। बेटा आप बताइए कक्कू का मतलब क्या होता है? मैम कक्कू माने कोयल होता है। वेरी गुड बेटा, कक्कू माने कोयल होता है। जिया वर्मा, जिया बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बेटा आप बताइए कोयल कैसी होती है, कोयल की बोली कैसी होती है? जिया बेटा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आप अनम्यूट हो पर बोलो बेटा। दिव्यांश सिंह, दिव्यांश, अरविंद, दिव्यांश अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा
आप बताइए कोयल का स्वभाव कैसा होता है, कोयल क्या करती है? मैम कुकू करती है। हाँ, कोयल की बोली को कैसा माना गया है? नहीं पता। नेक्स्ट अरविंद, अरविंद बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, हमारे पास समय बहुत कम है बेटा। यस मैम। हाँ आप बताइए। मीठी। मीठी है, वेरी गुड। श्रेया यादव, श्रेया यादव, अच्छा आपकी टर्न आ चुकी है। फैज, फैज बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। फैज। यस मैम। हाँ, कक्कू जो है वो हर बात में क्या करता है? मैं रोने लगता है। रोने लगता है, वेरी गुड। युवराज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। आप बताइए बेटा कक्कू को सक्कू क्यों कहा गया है? कक्कू। हाँ, वो क्या करता है जिसकी वजह से उसे सक्कू कहा गया है? उसके दोस्त उसको सक्कू कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? मैम बात बात पर लड़ने लगता है, रोने लगता है, वेरी गुड। नेक्स्ट अंकिता कुमारी, अंकिता अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अंकिता कुमारी अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा आप बताइए कक्कू जो है वो बात बात में जब भी उससे मजाक किया जाता है तो वो क्या करता है? मजाक करने पर कक्कू क्या करता है? रोने लगता है। मैं रोने लगता है, भड़क जाता है बेटा, और क्या करता है? झगड़ा करने लगता है। ठीक है। यस मैम। मैम रोने लगता है। हाँ, वो सदा क्या करता है, क्या फुला के रखता है हमेशा? मुंह। वेरी गुड, वो हमेशा बात बात में मुंह फुलाए रहता है। बेटा आपको आर्यन, आर्यन बेटा, आर्यन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अदम्या। यस मैम। बेटा आप बताइए कि आपको आपके घर में किस नाम से बुलाया जाता है? ठीक है, आपके दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं? मैम मेरे दोस्त मुझे शुभी शुभी बुलाते हैं। और घर में आपको प्यार से क्या कहा जाता है? घर में मम्मी बाबू बोलती है, पापा बेटा बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब कक्कू क्या करता है? मैम कक्कू दिन भर रोता रहता है और मुंह फुला के बैठा रहता है। अच्छा, वेरी गुड। कक्कू वाकई में ऐसा ही है। आप लोगों को तो कक्कू नहीं बनना ना? नो मैम। बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है बेटा, आज की क्लास आपको कैसी लगी? मैम बहुत अच्छी लगी। किसी बच्चों को कुछ पूछना है, किसी को भी कुछ समझ ना आया हो, मैं सबको अनम्यूट करी हूँ, पर एक साथ नहीं बोलेंगे बेटा। अगर एक बच्चा बोलना शुरू करे तो आप लोग साइलेंट हो जाएंगे। ठीक है। यस बेटा। मैं भी भेजूंगी, मिस हो गया। हाँ मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको। हेलो लिख रहा है। टाइम आपका ओवर हो गया है, बस अब किसी भी टाइम मुझसे पूछिए। टेक केयर, बाय बाय। कल पूछेंगे।